हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नेक्स्ट एक्शन पर रीडिंग करने वाले हैं। तो रीडिंग जो होगा टाइमलेस होगा, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण एनर्जी से मैच करेगा। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं। सारे रिलीजन के लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। तो रीडिंग का टॉपिक जो है, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपके तरफ नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, ओके। और आपके लाभ लाइन में क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के तरफ इस रिश्ते में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी, नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के तरफ उनके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं उनके लाभ लाइन में। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाभ लाइन में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज एंजल गाइड मी, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के तरफ। कुछ पावरफुल डिसीजन ले सकते हैं, अगर डर रहे थे तो वहां से उस डर से बाहर आएंगे। और अगर पहले आपको चीट किया था, धोखा दिया था, तो स्ट्रेंथ गैदर करेंगे आपके तरफ आने के लिए। और ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है आप दोनों का, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो सकता है, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। देखिए बॉटम से रीयूनियन का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है। लेकिन कार्ड एनर्जी में आपके पर्सन दुखी है, हार्मिट मोड में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा क्विकली पैशनेटली आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर हेल्थ इश्यूज हो रहा हो, कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लाइफ में, या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं उनको। और आपके पर्सन अगर आपको पहले चीट किया था, धोखा दिया था, आपसे मूव ऑन कर चुके थे, तो वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, रीयूनियन के लिए। जिस भी सिचुएशन से डर रहे थे आपके पर्सन, वहाँ पर स्टैंड लेना चाह रहे हैं, पावरफुल एक्शन लेना चाह रहे हैं। और चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन सारे कार्ड को टैरो से, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज एंजल क्लैरिफाई ऑल द स्प्रेड, क्लैरिफाई ऑल द स्प्रेड, क्लैरिफाई ऑल द स्प्रेड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, शादी। तो देखिए थर्ड पार्टी और शादी, टावर। अगर कोई कार्मिक मैरिज में अटके हुए हैं, तो वहाँ पर टावर मूवमेंट आ सकता है नेक्स्ट एक्शन में। अगर उनका शादी का जो सिचुएशन है, मैरिड सिचुएशन अगर थर्ड पार्टी बन रहा है आप दोनों के बीच, और जिस मैरिड में वो हैं उसको वहाँ पर कोई कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन यहाँ पर एंड हो सकता है, ठीक है। अगर कोई कार्मिक शादी में अटके हुए है, तो वहाँ पर टावर मूवमेंट आ सकता है, ओके। और आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों के बीच, जिन लोगों के शादी में टावर मोमेंट आया है, सेपरेशन आया है, ठीक है, यहाँ पर वो सेपरेशन एंड हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के शादी में सेपरेशन आया था, तो यहाँ पर बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन सॉर्ट आउट होगा, आपके फेवर में आएगा चीजें। स्ट्रेंथ क्यों आया है एंजल यहाँ पर, कैसा स्ट्रेंथ, क्यों स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, क्यों स्ट्रेंथ चाहिए। फाइट, फाइट हो रहा है, फाइट की एनर्जी काल से बहुत ज्यादा आ रहा है। फाइव ऑफ रोड्स, फाइव ऑफ सोर्स आ रहा है, बहुत ज्यादा डेविल के साथ फाइट हो रहा है आपके पर्सन का। जो भी कार्मिक एनर्जी है, जो भी डेविलिश एनर्जी है, उसके साथ फाइट हो रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन रिग्रेट में है, स्लीवलेस नाइट में इमोशनल हो रहे हैं आपके तरफ, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं,
हरमिट मोड में है। देखिए कार्ड वापस आ गए हैं और फाइव ऑफ बैंड्स आए हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है जहाँ पर है आपके पर्सन, इसीलिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। बॉटम से कार्ड देखिए एट ऑफ बैंड्स, तो आपके तरफ आने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स क्यों आया है एंजल यहाँ पर? सेवन ऑफ सोर्स क्यों आया है? देखिए पहले धोखा दिया था, चीट किया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो अभी बैलेंस करना चाह रहे हैं। जिस भी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं वो सिचुएशन एंड करके आपके तरफ केयर फ्री होकर बाहर आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनका फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली अगर थर्ड पार्टी था तो यहाँ पर वो सिचुएशन एंड होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था यहाँ पर एंड होगा, आपके पर्सन केयर फ्री होकर आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, इग्नोर करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, ठीक है? तो अभी सिचुएशन जो है बैलेंस होगा। आपके पर्सन जो जो आपके साथ बुरा बिहेवियर करते थे, गलत बिहेवियर करते थे, तो यहाँ पर बैलेंस करेगा सिचुएशन, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना प्यार आप दोगे उतना प्यार आपके पर्सन देंगे। एट ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में? एट ऑफ कप्स, एट एट की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको मिस करेंगे नेक्स्ट एक्शन में और सेलिब्रेशन आपके साथ ही चाहेंगे, ठीक है? और इस रिश्ते में काम करना चाहेंगे आपके पर्सन, ओके? अगर मूव ऑन कर चुके थे तो आपके तरफ वापस आएंगे। मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और रिग्रेट में रहेंगे कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, आपका ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। दी एम्परर क्यों आया है एंजल नेक्स्ट एक्शन में, नेक्स्ट 24 आवर्स में? तो कुछ लोग के लिए यहाँ पर 8 आवर्स या फिर 6 आवर्स में कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। प्लानिंग कर रहे गाइस आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपके तरफ चेंज लेके आने के लिए, आपके तरफ पॉजिटिविटी लेके आने के लिए प्लानिंग करेंगे या फिर फैमिली से बातचीत करेंगे आपके तरफ आने के लिए, और आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहे हैं। यही डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं, एम्परर के साथ आया है, एम्परर के साथ, तो वो यही पावरफुल डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं आपके तरफ कि आपको स्टेबिलिटी देना है उनको, और थर्ड पार्टी अगर फैमिली है फैमिली से बातचीत करना है और आपके तरफ आगे बढ़ना है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया तो मेजर डिसीजन होगा और आपके तरफ आएंगे। जो लोग मैरिड हो, बच्चे हैं, तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। अगर पास्ट में फाइट हुआ था तो बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। नाइन ऑफ बैंड्स क्यों आया है एंजल यहाँ पर? नाइन ऑफ बैंड्स क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज एंजल गाइड मी, नाइन ऑफ बैंड्स क्यों आया है? थर्ड पार्टी हैंग्ड, होपफुल है कि एक दिन बाहर आ जाएंगे जहाँ पर अटके हुए हैं, लेकिन खुश नहीं है जहाँ पर है, खुश नहीं है, डर रहे हैं कि मैं क्या बाहर आ पाऊँगी उस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में, या फिर जहाँ पर हैंग्ड है, जो भी थर्ड पार्टी में हैंग्ड है, अटके हुए हैं आपके पर्सन, डर रहे हैं क्या मैं बाहर आ जाऊँगी, या फिर अभी के लिए वो आ नहीं पा रहे आपके तरफ, इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे, दुखी है कि मैं चाहते हुए भी मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। क्यों नहीं आ पा रहे गाइस? उनका, उन्होंने जो भी कर्मा किए हैं उस कर्मा बैगेजेस को तो क्लियर करना होगा। उन्होंने ही आपको धोखा दे के गए हैं, आपको चीट किए हैं, तो उसका रिजल्ट तो उनको पाना ही है, भुगतना ही है रिजल्ट, ओके? जो भी उनका कर्मा है, और वो चाहते हैं कि अभी उनका विश फुलफिलमेंट हो, और बहुत ज़्यादा होपफुल है कि ये रिश्ता आगे जाके ठीक हो जाएगा, वो थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे जहाँ पर स्टक है। फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? हाई प्रिस्टेस दुखी है, थर्ड पार्टी में फाइट हो रहा है, वहां से क्विकली बाहर आना चाह रहे हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड देखिए, थर्ड पार्टी, कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं थर्ड पार्टी यहाँ पर, ठीक है? या फिर आप लोग मैरिड हो सकते हो गाइस, आपके बच्चे हो सकते हैं, और कोई यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है? तो जो भी हो आपके पर्सन खुद की इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच ब्रेकअप है। 5-5, ओ माय गॉड, 555 आ गए, 5-5-5, ये फाइव ऑफ पेंटिकल है।
तो कुछ लोगों के लिए 5 आवर इम्पोर्टेंट है। तो 5 आवर में आपके पर्सन के लाइफ में जो भी कर्मा है वहाँ पर फाइट हो सकता है 5 आवर्स के अंदर, और आपके तरफ वापस आ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, पॉजिटिव मूव कर सकते हैं। कभी कभी आपके पर्सन को लगता है कि वो उनके फैमिली को लेके आपके साथ कहीं दूर चले जाएंगे, वहाँ पर घर बसाएंगे, ठीक है। लेकिन कार्ड एनर्जी में बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन हाइड कर रहे हैं चीज़ों को। जो भी फाइट हो रहा है, जिसके साथ भी फाइट हो रहा है, वो चीज़ों को हाइड कर रहा है सबसे। और यहाँ पर पेंटिकल का इशू है आपके पर्सन को, हेल्थ इशूज़ भी हो रहा है। आपके पर्सन क्विकली आपके तरफ वापस आना चाह रहे हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं और पॉजिटिवली मूव करना चाह रहे हैं। ये सब सोर्स क्यों आया है? क्या न्यू बिगिनिंग होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में? क्या न्यू बिगिनिंग होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में? खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है गाइस, 10-10 की एनर्जी है। थर्ड पार्टी एंडिंग होगा, कंप्लीशन होगा, आपको विक्ट्री मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। फिर से 5, तो 5 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल यहाँ पर? पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग के लिए, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं, या फिर पेंटिकल का इशू थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड है, आपके तरफ पॉजिटिव है, आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड के पास। इतना ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं आपको कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो। न्यू बिगिनिंग होगा यहाँ पर, और पेशेंटली प्लानिंग कर रहे आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए, रीयूनियन के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए अदर डेक से हम देखते हैं। तो 6 नंबर, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 5 आवर्स, 8 आवर्स में किसी किसी को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। तो चलिए और एक डेक से मैं देखती हूँ हर रोज की तरह कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। एनर्जी कितना सेम है दोनों डेक से? अगर सेम एनर्जी निकल के आते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि दोनों डेक से सेम एनर्जी आ रहे हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगा। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं उनके लव लाइफ में? प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है? पहला कार्ड मैसेजेस का है गाइस, खुश हो जाइए, मैसेजेस आने वाला है आपके तरफ। देखिए फिर से 5 ऑफ सोर्स, फाइट तो हो रहा है गाइस आपके पर्सन के लाइफ में, फाइट तो हो रहा है कलेक्टिवली, जनरली जहाँ पर है वहाँ पर फाइट हो रहा है गाइस, या फिर होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। एनर्जी वहाँ से आया था, क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर आया था, फास्ट पहला ही कार्ड आया था। किंग ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, 9 ऑफ सोर्स, और क्या होने वाला है? और क्या होने वाला है? प्लीज एंजल गाइड मी, और क्या होने वाला है? कोई उनको कंट्रोल कर रहा है और आगे जाके करेंगे, और वहाँ पर फाइट होगा उनका। किंग क्वीन ऑफ सोर्स के साथ 5 ऑफ सोर्स आपके तरफ जेस्चर कर सकते हैं गाइस, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे आपके तरफ आने के लिए। वन मोर कार्ड एंजल, यस, एम्परर वहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया है, मैजिशियन क्लैरिफिकेशन में आया था, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहेंगे, हो सकता है कुछ लोग का बातचीत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड है मैसेजेस का, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैसेज रिसीव हो, ठीक है। और जहाँ पर है आपके पर्सन वहाँ पर फाइट हो सकता है, आपके तरफ कोई जेस्चर कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, फैमिली में खुश नहीं है आपके पर्सन, रिग्रेट में है, स्लीवलेस नाइट है, गिल्ट में है, पछतावे में है, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों का बच्चे है, फैमिली है एक साथ, तो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, इसलिए दुखी है,
ठीक है, मतलब आप दोनों का खुद का फैमिली है, एक दूसरे से मैरिड हो और बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन उनके फैमिली के लिए, मतलब आप दोनों के लिए ही दुखी हो रहे हैं आपके फैमिली के लिए, कि कब तक रिकॉन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, सिंगल के लिए मैरिड ऑफर कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन वेटिंग में है, दो सिचुएशन में से एक को चूज कर लिए है। देखिए यहाँ पर दो बैंड है, यहाँ पर एक बैंड है, यहाँ पर एक बैंड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, यहाँ पर एक को पकड़े हुए है, दूसरा नहीं है, मतलब उन्होंने फाइनलाइज कर लिए हैं और आपको ही चूज कर लिए हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने आपको छोड़ा है तब कोई फाइट हुआ होगा या फिर चीटिंग किए होंगे, उन्होंने कोई ऐसा बिहेवियर आपके साथ किया है ताकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, रिग्रेट में है, गिल्ट में है, इसलिए आने के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए और पावर गैदर कर रहे हैं, और इस बार जब आएंगे वो पावरफुल कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो और स्टेबिलिटी के लिए हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए आप मैनिफेस्ट हो रहे हो, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, और ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का, आपके पर्सन बहुत क्विकली आपके तरफ आना चाह रहे हैं और आपको जो है न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, और इमोशन उनका ओवरफ्लो हो रहा है, चैरियट का कार्ड है, साथ ही साथ सिक्स ऑफ सोर्स है, तो पॉजिटिवली आपके तरफ आना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो स्प्रेड जो है बहुत ज़्यादा क्लियर है और मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कार्ड के बारे में, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है कि क्लियर करने के लिए, फिर भी मैं कर रही हूँ फाइव ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई की, किसके साथ फाइट हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्स क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर, कुछ लोग के लिए जॉब के जगह पर फाइट हो सकता है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी में फाइट हुआ है आपके पर्सन का, ओके, या फिर पास्ट में अगर आपके साथ फाइट हुआ है तो प्लानिंग करे आपके तरफ आने के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन में है, किसी किसी के करियर में फाइट हो रहा है, किसी किसी के थर्ड पार्टी में फाइट हो रहा है, किसी किसी का यहाँ पर आपके साथ फाइट हुआ है पास्ट में, और प्लानिंग कर रहे, स्ट्रेटेजी बना रहे आपके तरफ आने के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए, ओके। कब तक बातचीत होगा, एट ऑफ रोड्स क्यों आया है, कब तक बातचीत होगा, टेन ऑफ सोर्स कुछ सिचुएशन एंड होगा, सेपरेशन एंड हो सकता है, देखिए सेवन ऑफ सोर्स धोखे की एनर्जी एंड होगा, जो भी धोखा दे रहे थे वो सिचुएशन एंड होगा, जिसके वजह से आपके आपसे भाग रहे थे, आपको धोखा दिया था जिसके वजह से, वो सिचुएशन एंड होगा। देखिए मैंने बोला नहीं ऐसा थार पटिया गया है, जिसके लिए आपके पर्सन आपके तरफ से भाग रहे थे, आपको धोखा दिए थे, जिस पर्सन की वजह से वहाँ पर एंडिंग्स होगा और आपके तरफ पॉजिटिवली आएंगे और आपको स्टेबिलिटी देंगे, फिर से न्यू बिगिनिंग, एक दो तीन न्यू बिगिनिंग आ गए यहाँ पर। वेटिंग में क्यों है, टू ऑफ सोर्स क्यों है, क्यों वेटिंग, वेटिंग में और नहीं रहेंगे, क्विकली आएंगे, नाइट ऑफ रोड्स, देखिए थर्ड पार्टी एंडिंग्स, देखिए गाइस देखिए आप लोग देखिए, अगर मैरिड है थर्ड पार्टी से, डेविलिश एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी है, तो यहाँ पर एंड होगा, देखिए दी वर्ल्ड, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल, जो थर्ड पार्टी है, जो जागलिंग है, वो साइकिल एंड होगा, डेथ के साथ आया है और आपके तरफ क्विकली आ रहे हैं, नाइट ऑफ रोड्स किसको क्लैरिफाई किया है, टू ऑफ रोड्स को, टू ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई किया है, टू ऑफ रोड्स को क्लैरिफाई किया है, दिख रहा है आपको कार्ड, तो थर्ड पार्टी एंडिंग्स यहाँ पर होगा और आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे। नाइन ऑफ सोर्स क्यों है, स्लीवलेस नाइट क्यों है, रिग्रेट में है, देखिए और क्या बोलना है, रिग्रेट में है कि उन्होंने आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर अभी भी नहीं कर पा रहे, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, टू ऑफ कप्स वहां से आया था लग रहा है, टू ऑफ कप्स उस डेक से, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, हो सकता है पास्ट में आप दोनों का एक दूसरे से फाइट हुआ हो, इसीलिए बार्डन में है आपके पर्सन, कि उन्होंने आपके साथ फाइट किया है और अभी जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, देखिए फाइट के बाद मैंने बोला नहीं यहाँ से फाइट आ गए हैं, फाइव ऑफ रोड्स, तो फाइट हुआ था आपके पर्सन के साथ, तो वो वापस आ रहे हैं चैरियट के कार्ड के साथ, आपके तरफ बैलेंस होगा सिचुएशन, जस्टिस मिलेगा, इस बार्डन से बाहर आएंगे आपके पर्सन, बार्डन को काटअप करेंगे, और चैरियट यहाँ से देखिए, नाइट ऑफ सोर्स, कब तक रियूनियन होगा, दी लवर्स क्यों आया है, कितना टाइम में रियूनियन होगा,
वन डे रीडिंग वन डे के लिए है, 24 आवर्स के लिए। तो हो सकता है गाइस बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो जाए। यहाँ पर 6 नंबर आ गए हैं, तो 6 आवर्स में भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच रियूनियन बैलेंस हो सकता है। ठीक है गाइस, रीडिंग तो बहुत ही पॉजिटिव है और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को पता है इतना पॉजिटिव है रीडिंग। तो ये था नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। कितना रेजोनेट हो रहा है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कॉल मैसेज आता है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना बोलना, ताकि मुझे खुशी मिले और अदर्स व्यूअर्स को भी होप आए कि हाँ ज़रूर कॉल मैसेज रिसीव होगा आगे जाके। तो गाइस इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुद का ध्यान रखना, दूसरों को प्यार करना, दूसरों का हेल्प करना। तो टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।